एरिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहता हूँ कि आप लोग ये खुद अटेम्प्ट करें। अभी रिसेंटली CSS अटेम्प्ट के अंदर भी ये सवाल आ गया था एरिया से रिलेटेड, बड़े अरसे के बाद उसे ज्योमेट्री को टेस्ट किया, तो ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ईजी ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहते थे स्मॉल रेक्टेंगल इन द फिगर अबव रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल पार्किंग लॉट बिफोर इट्स लेंथ वर एक्सटेंडेड बाई W। सही, तो ये अगर W से बढ़ गया है तो ये कितनी हो जाएगी, 100+W हो जाएगा। ये बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 150+W हो जाएगा। सही, इफ द एरिया ऑफ द इनलार्ज लॉट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ओरिजिनल लॉट, ओरिजिनल लॉट जो थी वो सिर्फ ये थी 100/150, तो ये ओरिजिनल लॉट का जो एरिया है वो कह रहे हैं जो इनलार्ज है वो इसका ट्वाइस हो गया। सही, अब इनलार्ज लॉट क्या है, 100+W, और ये कितना हो गया, 150+W। सही, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर हम इसको हम ओपन करते हैं, तो ये देखिए ट्वाइस बन रहा है 100/150, और एक ये आ रहा है 100/150। इसको मैं वहाँ लेके चला गया तो एक 100/150 माइनस हो गया, एक यहाँ पे रह गया 100/150। सही है, 100W+150W कितना हो गया, 250W+W² हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, 250W-100×150 कितना आ रहा है, ये 15,000 आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसको किस तरह से तोड़ सकता हूँ, इसको सिंपली मैं तोड़ सकता हूँ 150W। सही, 150W से भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन ये जो है अब हमें क्या करना है, 15,000 हमें प्रोड्यूस करना है ना इसके अंदर। अच्छा, अब 15,000 किस तरह से प्रोड्यूस होगा ये देखते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन है, अगर 150 और 100 करता तो वो मेरे पास क्या आती, पॉजिटिव साइन आती। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ये ले सकता हूँ कि 15,000 लेके आया था, मैं अगर करूँ 300-50W और W² एज इट इज -15,000। अब आप ये ले सकते हैं, W कॉमन लिया, W+300 हो गया, -50 कॉमन लिया आपने, W+300 आ गया। सही, W कितना आ रहा है, पॉजिटिव में हमारे पास क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, और W की दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -300 आ रही है। तो हमें जो लेनी है वो कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव। इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव, सो ओरिजिनल वैल्यू और W कितनी आ गई, 50 आ गई। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट आपके चेक हो रहे हैं, एक तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक हो रही, सही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक हो रही, दूसरा आपके पास ये एरिया का फॉर्मूला चेक हो रहा है, सही, और तीसरा उससे थोड़ी बहुत फिगर बना के दी हुई, तो उससे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा स्टूडेंट्स वगैरह को, और दूसरा ये कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ही दिया हुआ है आपको, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ये देख लिया करें आप, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट दी विल रियली हेल्प यू इन द एग्जाम्स। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, होप यू गाइज हैव इन्जॉयड इट।